तो हेलो गाइस, अभी हम बात करेंगे जो आईपीएल मेगा ऑक्शन हो रहा था उसके पहले दिन का। जो 2 करोड़ वाले प्लेयर थे तो उनका पूल खत्म हो चुका है। टोटल 10 प्लेयर थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सारे ही प्लेयर अभी सोल्ड हो चुके हैं, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है अनसोल्ड गया है, क्योंकि टीम अभी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी फ्रेश टीम है, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो एक बड़ी बड़ी प्लेयर को खरीद के अपना टीम में रखना चाहते हैं, ग्रूम करना चाहते हैं अपने यंगस्टर को भी। तो देखते हैं, पहले आए शिखर धवन, जो कि 8.25 करोड़ में गए पंजाब किंग्स के तरफ। उसके बाद आर अश्विन आए, वो भी 5 करोड़ लेके गए राजस्थान के तरफ। यानी अभी बटलर और अश्विन दोनों ही राजस्थान के तरफ खेलेंगे, तो देखते हैं उनके बीच में केमिस्ट्री कैसा रहता है। उसके बाद पैट कमिंस गए केकेआर की तरफ। केकेआर 2 बड़ी प्लेयर ले गए इस बड़ी पूल के अंदर। तो एक तो लिए पैट कमिंस, और सबसे महंगे इस पूल के हैं जो 2 करोड़ वाले पूल के, श्रेयस अय्यर 12.25 करोड़ में। तो बहुत बड़ी दाव लगा दिया है केकेआर ने पैट कमिंस को 7.25 करोड़ में, और श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ में खरीद के। तो उसके बाद अगर बात करें रबाडा, रबाडा पंजाब की तरफ गए हैं, तो पंजाब भी 2 बड़े प्लेयर खरीदा है, शिखर धवन और रबाडा। तो उसके बाद अगर बात करें तो आरसीबी भी फाफ डुप्लेसिस को खरीदा है 7 करोड़ में। और उसके बाद बड़े प्लेयर अगर बात करें वार्नर भी 6.25 करोड़ में दिल्ली की तरफ गए हैं, जो अपनी उनकी पुरानी टीम थी, ओपनिंग कराया करते थे, उसके बाद एसआरएच में आए थे, तो फिर से वो दिल्ली में गए हैं अभी। और डिकॉक जो कि मुंबई की तरफ खेल रहे थे, वो भी 6.75 करोड़ में लखनऊ की तरफ गए। तो अगर बता दूं पंजाब भी 2 प्लेयर खरीदा है, शिखर धवन और रबाडा। राजस्थान भी 2 प्लेयर खरीदा है, ट्रेंट बोल्ट और अश्विन। ट्रेंट बोल्ट के पीछे बहुत लगे थे मुंबई इंडियंस, पर खरीद नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। तो पंजाब किंग्स की 2 प्लेयर हो गए धवन रबाडा, राजस्थान की बोल्ट और अश्विन, केकेआर की कमिंस एंड आयर सबसे बड़े बिट। और लखनऊ के तरफ गए हैं डिकॉक, आरसीबी फाफ डुप्लेसिस को लाए हैं एक ओपनर की तरफ, और दिल्ली की तरफ गए हैं वार्नर, और गुजरात के तरफ गए हैं सामी। तो यही थी अपडेट, आगे भी जब पूल होगा तो उसका भी अपडेट लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट के लिए, और चैनल पे शॉर्ट भी अपडेट होते हैं। अगर आपको इंस्टेंट खबर जानना है कि कौन से प्लेयर कितने में खरीदे गए, तो आप चैनल के शॉर्ट सेक्शन पे जाके शॉर्ट्स पे भी इंस्टेंटली अपडेट पा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं भी आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, बाय बाय।